चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे विभिन्न विभागों सहित समस्त जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक ली। प्रदेश के सभी 52 जिला प्रशासन कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, नगरीय विकास विभाग के अधिकारी, पीएचई विभाग के अधिकारी और उसके अलावा ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सीएम ने पंचायतों के काम को लेकर सीईओ जिला पंचायत को अमृत सरोवर, आजीविका मिशन की गतिविधियां, मनरेगा के काम, ग्रामीण आवास सहित जल संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा है। साथ ही सीएम ने किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी इस बैठक में सभी अधिकारियों से कही। तो सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों के साथ में आज बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो भोपाल में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। इसके अलावा मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत जो भी काम किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाए। 18 मई को हितग्राहियों और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनको लेकर अधिकारियों से बातचीत की है। सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं योजनाओं को धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। साफ निर्देश बैठक के दौरान दिए गए हैं। तो एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 52 जिले के जिला अधिकारी, एसपी, सीएमओ सहित तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ में आज बैठक की है।